हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिपाली और स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेटा नॉलेज क्लब में। दोस्तों, कल हमने 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाना था, तो आज हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के भी फोर पार्ट्स है, तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वेयर। बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यानी रेक्टेंगल का एरिया आपको मालूम है क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? लेंथ इनटू ब्रेथ। दो साइड्स होती है रेक्टेंगल में, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल की। तो ये लेंथ हो गई आपकी और ये आपकी ब्रेथ हो गई है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बेटा ऐसे वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वन मोर देन या ट्वाइस या फिर इस तरह की जो चीजें दी होती है लेस देन, तो उस वाले क्वेश्चंस में हम पीछे से स्टार्ट करते हैं और जो लास्ट में वर्ड दिया होता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लास्ट में वर्ड दिया होता है ब्रेथ, इसको हम लेट कर लेते हैं बेटा। तो लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, ब्रेथ को एक्स मान लिया है और पीछे से ही स्टार्ट करते हैं। लेंथ क्या होगी आपकी? ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ क्या होगी? ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस करना है एंड वन मोर देन, और मोर देन वन करना है, तो प्लस वन, तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी। अब आप पढ़ के देखो, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ये ब्रेथ हो गई और आपकी ये लेंथ हो गई। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। मतलब लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है हमें, तो इसके लिए आपका एरिया आपको गिवन था कितना? 528। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, एल इन टू बी, बी क्या है आपका एक्स और एल क्या है 2x प्लस 1, विच इज इक्वल टू 528। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 528, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई बेटा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सारी क्वेश्चंस को सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, जो हम ले आए हैं। स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। बेटा कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आपके वो होते हैं जो नेगेटिव में और पॉजिटिव में भी होते हैं, जैसे -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, इस तरह से। अगर पॉजिटिव की बात करें तो 1, 2, 3, 4 हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है बेटा लगातार, लगातार टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है वो 306 है। तो अब हम मान लेते हैं लेट वन इंटीजर इज एक्स, तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा बेटा आपका, क्योंकि वो आपको कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। अगर एक एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस वन, एक 10 है तो दूसरा 10 प्लस 1 11, इस तरह से। अगर एक 12 है तो दूसरा 12 प्लस 1 13, तो एक एक्स माना तो दूसरा एक्स प्लस वन होगा हमारा। इनका प्रोडक्ट हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स इंटू एक्स प्लस वन, इनका प्रोडक्ट कितना गिवन है बेटा आपको? 306। यहां से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 है। यहां से आप दोनों इंटीजर्स की वैल्यू निकाल सकते हो सॉल्व करके, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका बेटा, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। बेटा मैंने क्या कहा था, जो बाद में होता है उसको हम लेट करते हैं, तो इसमें लेट किसे करेंगे? रोहन्स की एज को, क्योंकि रोहन की मदर की जो है वो 26 से ओल्डर है रोहन से, तो रोहन की लेट करेंगे। लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स, तो मदर्स की एज क्या हो जाएगी बेटा? मदर्स एज इज इक्वल टू 26 ओल्डर, मतलब 26 इयर्स बड़ी है उसकी मम्मा, तो एक्स प्लस 26 हो जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस
इन ईयर्स, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। बेटा उनकी एजेस जो है, उनकी एजेस का प्रोडक्ट दिया हुआ है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद। तो पहले दोनों की 3 ईयर्स बाद की एज निकालेंगे, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। बेटा रोहन की एज क्या होगी? एक्स प्लस 3, 3 साल बड़ा हो जाएगा वो, पहले इस टाइम उसकी एक्स है, 3 साल बाद एक्स प्लस 3 हो जाएगी। और मदर की एज क्या होगी 3 ईयर्स लेटर? एक्स प्लस 26 प्लस 3, तो आपकी हो गई एक्स प्लस 29। ये आपकी रोहन की एज आ गई है, ये आपकी मदर की एज आ गई है। उनका प्रोडक्ट हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29 हमें कितना गिवन है बेटा? 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स परसेंटेज, रोहन्स की परसेंटेज निकालनी है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि हमें किस फॉर्म में निकाल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो इसे सॉल्व कीजिए बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर प्लस 29x, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। प्लस 3x प्लस 29 थ्री जा 87, विच इज इक्वल टू 360। बेटा यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x आपका क्या हो जाएगा? 32x। 87 माइनस 360 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 360 में से 87 माइनस करेंगे तो क्या होगा बेटा? 273 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये वाला यहाँ पे आके माइनस का होगा और वो बड़ी डिजिट रहेगी हमारी, विच इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से आपकी ये वाली इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अपना नेक्स्ट पार्ट फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन का। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ  480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, सिर्फ इसकी डिजिट्स और नंबरिंग्स चेंज हो सकती है। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, बेटा एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है जिसका डिस्टेंस कितना उसने कवर करना है, डिस्टेंस हमें गिवन है कितना 480 किलोमीटर, और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता किस क्या स्पीड है, लेकिन एक ही जैसी स्पीड है उसकी। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, बेटा अगर स्पीड को कम कर देंगे तो वो टाइम ज्यादा लेगी पहुंचने के लिए, तो वो 3 घंटे ज्यादा लेती है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो देखिए बेटा डिस्टेंस आपका 480 किलोमीटर है, स्पीड को आप लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है स्पीड कितनी है, लेट स्पीड इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से टाइम क्या आ जाएगा, टाइम का क्या फॉर्मूला होगा बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपका 480 अपॉन स्पीड, ये आपका आ गया टाइम यहां से। लेकिन अगर डिस्टेंस आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में आपका डिस्टेंस भी 480 है, लेकिन अगर स्पीड को वो कम कर देते हैं तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, पहले एक्स थी अब आपकी एक्स माइनस 8, क्योंकि 8 किलोमीटर आपने कम कर दिया है बेटी स्पीड को। टाइम कितना हो जाता है आपका, यहां से टाइम निकाल लीजिए, स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 480 अपॉन एक्स माइनस 8। बेटा एक तो आपका ये वाला टाइम आ गया है जो इस वाले से आया है, और उसने ये भी कहा है कि जो टाइम है, जो पहले वाला टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो टाइम होएगा वो क्या हो जाएगा, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। यानी पहले 480 अपॉन एक्स लगता था और अब 480 अपॉन एक्स प्लस 3 लगेंगे। तो बेटा देखो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम दोनों सेम है, क्योंकि ये भी इसके अकॉर्डिंग ही आया है हमारा, 3 आवर्स मोर लग रहा है, और ये भी इसी के अकॉर्डिंग आया है, क्योंकि जब स्पीड कम कर दी है तो हमारा टाइम उसके अकॉर्डिंग आया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला हमारा इक्वल हो जाएंगे दोनों, तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8 विच इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स प्लस 3x। बेटा ये x मैंने एलसीएम ले लिया है यहाँ से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 480x इज इक्वल टू, इसमें इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी करेंगे, तो ये 480x माइनस 3880, अब इसको इससे करेंगे तो माइ प्लस 3x स्क्वायर
और माइनस का 24x। बेटा 480x से 480x कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3880 इज इक्वल टू 0। ये आपकी यहाँ से इक्वेशन बन गई है बेटा। अगर इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये एक्स स्क्योर माइनस 8x माइनस 12 समथिंग आपका आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। इस तरह से आपके ये चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं बेटा। फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसे। और कल हम 4.2 अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो से बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।